तो जी आज हम जा रहे हैं मुक्तेश्वर धाम। और मुक्तेश्वर धाम प्रसिद्ध है बाबा भोले जी के नाम से। और हम भी जाएंगे दर्शन करने और आपको भी अपने साथ दर्शन करवाएंगे। और हमारे साथ जा रहे हैं हरगुन सिंह। हरगुन सिंह, हाउ आर यू? कूल ओके, कम ऑन सेट, चलते हैं, शुरू करते हैं अपना सफर। ओके, चलो जी। तो हरगुन सिंह भी आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में, चलते हैं हम इसके साथ और शुरू करते हैं अपना यह सफर। आपको वहां पे जाकर के मैं आपके पूरे इसके डिटेल बताऊंगा कि मंदिर के बारे में जो भी है, मेरे को अभी खुद खुद को कुछ नहीं इतना पता। अब नेशनल हाईवे जो अमृतसर से पठानकोट की तरफ जाता है, और हमने पठानकोट तक जाना है। पठानकोट से आगे फिर हम डाइवर्ट करेंगे डैम की तरफ, और डैम से थोड़ी देर पहले ही, थोड़ी समय पहले ही आता है मुक्तेश्वर धाम। तो सफर तो शुरू हो चुका है और मौसम भी आज थोड़ा ह्यूमिड ही है, थोड़ी गर्मी थोड़ी ज्यादा लग रही है। और जी मैडम जी, क्या हो रहा है? बढ़िया। आप कहाँ जा रहे हो आज? आज हम जा रहे हैं। ठीक है जी, भोले बाबा से मिलने। हाँ जी, हाँ जी। चलो बढ़िया बढ़िया। और आप कहाँ जा रहे हो जी? हाँ, मुक्तेश्वर धाम। ठीक है, चलो देखते हैं जी, आपको दिखाते हैं अपना सफर आज का। फैमिली, हाँ फैमिली जर्नी, जर्नी छोटी शॉर्ट जर्नी है ये हमारी फैमिली की। तो आपको भी अपने साथ लेकर के चलते हैं आज और दिखाते हैं मुक्तेश्वर धाम, बाबा जी का घर। हम एक बंदे को बहुत मिस करते हैं हमेशा, जो हमसे दूर बैठा। चलो कोई बात नहीं, वो भी आएगा तो उससे भी मिलवाएंगे आप। ये जो आप देख रहे हैं ये है रावी दरिया, परली साइड है J&K और इस तरफ है हम पंजाब में। ये बॉर्डर है जी J&K और पंजाब का। देखिए खूबसूरती कुदरत की कितनी है। आपको यहाँ से पहाड़ियाँ भी दिख रही होंगी हिमालय की। है जी मुक्तेश्वर धाम, हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से अब हमारे को नीचे उतरना पड़ेगा मंदिर के लिए।
ये सामने रावी दरिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी सीढ़ियां नीचे उतर कर जाना पड़ेगा, काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा अभी। वैसे बढ़िया है, जय भोले शंकर। यहाँ पे भी बाबा भोले का स्थापना है, कितनी पुरानी गुफा है ये। हाँ जी हरगुण जी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है, पर चल चल के पसीने छो रहे हैं बहुत। अच्छा गर्मी लग रही है? गर्मी बहुत है और थक चुका हूँ। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा। देखो कितने सालों पहले यहाँ पे पांडव अपनी तपस्या किया करते थे, आवाज कैसे गूंज रही है। हाँ। और उस समय कितनी शांति होगी यहाँ पे, बिल्कुल साथ में नदी है ऊपर। हाँ। ये बाबा भोले। हेलो गाइस, आज हम मुक्तेश्वर पर धाम में एंड यहाँ पर बहुत सही नज़ारा है, आप भी विजिट करो, बहुत सही है। और यहाँ पर पूरा एंड बहुत कुछ है, आपको बहुत मज़ा आता है। आप भी एक बार विजिट करना चाहें तो ज़रूर करना, ये प्लेस बहुत अच्छी है। बहुत वहाँ पर मंदिर भी बना हुआ है जहाँ पर वो पंडित करते थे हजार साल तक अपनी पूजा, एंड यहाँ पर भी बना हुआ है, बहुत मजा आ रहा है। और हम थक भी चुके हैं तो अभी हम बैठेंगे थोड़ी देर, देन आपसे दोबारा सुनेंगे।